कक्षा 10 विषय हिंदी क्षितिज भाग सेकंड सूरदास के पद के प्रश्नोत्तर कवि परिचय। सूरदास, इनका जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के आसपास ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवि में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। पूर्व वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 1583 में पारसोली में हुई। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है, उनमें जीने की ललक पैदा की है। सूरदास के मुख्य अष्टछाप यानी 8 कवियों का एक समूह था, उनमें से महत्वपूर्ण थे। उनका श्रृंगार और वात्सल्य जो श्रेष्ठ रस हैं, और इनके गुरु है वो वल्लभाचार्य थे। इनके 3 ग्रंथ है, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सराव। प्रश्न नंबर 1, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यहीन कहने में ये व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य का प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में मंदने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुगत अनुभूति से पूर्णता अपरिचित है। इसमें गोपियां उद्धव को कहती है कि आप श्री कृष्ण के पास रह करके भी उस प्रेम रस को नहीं पा सके, जबकि हम इतने दूर है तो उस प्रेम को प्राप्त करने में समर्थ है, इसलिए आप भाग्यवान न होकर भाग्यहीन है। ये देंगे कहा है क्या भाग्यवान। प्रश्न नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किसे की गई है? उत्तर, गोपी ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। गोपी ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते भी उसे प्रभावित नहीं होता है। वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं डूब पाती। गोपियां उद्धव से कहती है कि उद्धव, तुम कमल के पत्ते के समान हो, जो जल में रहते भी उसे प्रभावित नहीं होता, और तेल के मटके के समान हो। तुम कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ सके, तो कमल के पत्ते और जल तेल से भरे मटके के समान हो। प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? उत्तर, गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियां उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती है, जो पानी में रहकर भी उसे अछूता रहता है, यानी वे प्रेम के मूल कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए। गोपियां उन्हें बड़भागी कहती है, जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधन से मुक्त है, उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता है। वे उद्धव के योग संदेश को कड़ी ककड़ी के समान बताती है, जो उनसे नहीं जाती, यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती। गोपियां उद्धव को कहते हैं कि तुम तो कृष्ण के प्रेम को समझ ही नहीं सके, तुम तो उनका संदेश और कड़ी ककड़ी के समान बताते हो, जो उनसे नहीं जाती, यानी ये इन बातों को नहीं समझ सकते। प्रश्न नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपी वीरा अग्नि में घी का काम किया है। गोपियां श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी। ये एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की वीरता को चुपचाप सहते हुए कृष्ण के प्रेम रस में डूबी थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देने प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। इसमें जब श्री कृष्ण खुद नहीं आकर के उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं और उनकी योग की बात कहते हैं, तो गोपियां कहती है कि हे उद्धव, हम जिस प्रकार अग्नि बुझती है तो उसमें घी डाला जाता है तो तेज लोग के साथ जलने लगती है, उसी प्रकार आपने आज आकर के योग की बातें हमें कह करके हमारी वीर अग्नि को घी का काम किया है। हम कृष्ण को याद किए थे कि कृष्ण एक दिन रह जाएंगे, लेकिन आपने आज आकर के योग की बात कही तो ये हमारे वीर अग्नि ने घी का काम किया है। प्रश्न नंबर 5, मर्यादा नहीं लेते माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर, मर्यादा न लेके माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके योग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट जाती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग
देश के साथ भेज दिया, जिसने गोपियों की उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया। प्रसन्न मत्स्य कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपी ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? उत्तर, गोपी ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है। गोपी ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुड़ पर आशक्त होकर उसे चिपक जाती है और पिस्सुओं को छुड़ा न पाने के कारण वही प्राण त्याग देती है। उन्होंने खुद को हरिल पक्षी या शिशु को लकड़ी की भांति बताया। जिस प्रकार हरिल पक्षी सदैव अपने पंजों में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा लिया है। ये जागते सोते स्वप्न अवस्था में दिन रात श्री कृष्ण की रट लगाती रहती है। गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को चींटियों के माध्यम से, हायल पक्षी के माध्यम से व्यक्त करती है और कहती है कि सोते जागते समय श्री कृष्ण को ही याद करती रहती है। गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर, गोपी ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है कि जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता, इसीलिए गोपियां चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने की कही है कि जिनका मन चंचल हो, एकाग्रचित नहीं हो। हमारा मन तो पहले से श्री कृष्ण में लगा हुआ है, इसलिए ये योग है हमारे लिए निरर्थक है। योग की शिक्षा उन लोगों को दीजिए जिनका मन चंचल है। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत कदम के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर, गोपी ने योग साधना को निरर्थक बताया है। उनके अनुसार ये उन लोगों के लिए जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है जो उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित है। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। वह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं। गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, हमारा मन तो पूरी तरह से श्री कृष्ण को समर्पित है। योग ज्ञान हमारे लिए कड़ी ककड़ी के समान है। जिस प्रकार कड़ी ककड़ी खाई नहीं जा सकती, तो हमसे योग नहीं करा जाता। हम तो श्री कृष्ण को पहले से ही अपना चुके हैं। प्रश्न नंबर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को ना सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। ये गोपियां श्री कृष्ण के लिए कह रही है, क्योंकि श्री कृष्ण योग का ज्ञान देकर के उद्धव को भेजा है, तब गोपियां उल्हाना दे रही है उद्धव से। प्रश्न नंबर 10, गोपियों को कृष्ण ने ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है? उत्तर, गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख लिया। उनकी बुद्धि पहले से अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूल कर योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दोष उनके अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपी से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हुआ है। कृष्ण में आए इन्हीं प्रयत्न को देखकर गोपियां अपने मन को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती है। जब श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को गोपियों को योग का ज्ञान देने के लिए भेजा, तो गोपियां कहती है कि अब कृष्ण जी ने राजनीति सीख ली है। पहले हमारी बातों का बदला प्रेम से देते थे, लेकिन अब वो बात नहीं है। इससे अच्छा है कि हम अपना अनुराग वापस ले लें। प्रश्न 11, गोपी ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को प्रास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं ली। उत्तर, गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार है। साहसी, गोपियां पूरी तरह से निडर हैं। वह उद्धव को कोस नीचे परहेज नहीं करती है। वह उनके योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती हैं। व्यंग्यात्मकता, गोपी ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग्य करती है। वे उद्धव को बड़भागी कहती है, क्योंकि श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहे, ये कहकर वह उद्धव का उपहास करती है। स्पष्टता, वे स्पष्ट शब्द में उद्धव को बताती है कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन है, इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कुछ असर नहीं पढ़ने वाला है। प्रश्न नंबर 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर, भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं हैं,
निर्गुण और निराकार भक्ति से ज्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया। योग साधना का महत्व प्रेम की एकनिष्ठता के सामने कम है। वो क्यों विरह वेदना झेल रही है, वो भी उन्हें सरलता, मार्मिकता, उपालंब, व्यंग्यात्मकता, तक शक्ति आदि के द्वारा उदय के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध किया है। योगी ने खुद को हरिण पक्षी या श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। शुद्ध साहित्य ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें भी संगीत तात्मकता का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है। प्रश्न नंबर 13, गोपी ने उदय के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपने कल्पना से और तर्क दीजिए। उत्तर, गोपी ने उदय के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, हम निम्न तर्क दे सकते हैं। प्रेम कर विरह की वेदना के साथ योग साधन शिक्षा देना कहाँ का न्याय है। अपनी बात पूरी न कर पाने वाले कृष्ण एक धोखेबाज है। कृष्ण अपने अनन्य प्रेम करने वाले सगुण को योग साधना का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते। प्रश्न नंबर 14, उदय ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्चातुर्य में मुद्रित हो। उत्तर, गोपियों के पास उनके मन श्री कृष्ण के लिए प्रेम का भक्ति की अद्भुत शक्ति थी, जिस कारण उदय जैसे ज्ञानी को भी उन्होंने अपने तर्कों से हरा दिया। यानी गोपियों के पास प्रेम रूपी जो भक्ति थी उससे वो उदय को भी हरा सके। प्रश्न नंबर 15, गोपी ने ये क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए, क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गोपी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी उनसे प्रेम को बुलाने की बात ना कर उन्हें उद्धव द्वारा योग संदेश का माध्यम अपनाने को कह रहे हैं। गोपियों का कथन कि हरि अब राजनीति पर आए, आज की राजनीति में नजर आ रहा है। आज के राजनीति में नेता भी मुद्दों के बारे में साफ साफ नहीं कहते और मुद्दों को घुमा फिरा कर पेश करते हैं। इसलिए गोपियों ने कहा है कि श्री कृष्ण अब तो राजनीति पर आए, अगर राजनीति नहीं पढ़ाते तो हमें सीधा ही प्रेम न करने की बात कह सकते थे। उद्धव को माध्यम बनाकर के लिए हमारे लिए योग का संदेश भेजा है, इसका मतलब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। और राजनीति में अपने स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं होता, क्योंकि राजनीतिक लोग भी साफ साफ बात नहीं कहते, वो घुमा फिरा करके बातें कहते हैं।